हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मजे में होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं अपने बचपन की एक मेमोरी। जिस तरह से हम अपने बचपन में डॉल का मेकओवर करते थे, उसको डेकोरेट करते थे, वही आइडिया लेकर मैं आज आपके साथ आई हूँ। आई होप कि आप सभी ने ये सब किया होगा और उसी याद को ताजा करने के लिए मैं ये आइडिया लेकर आई हूँ। अगर आपको मेरा ये आइडिया पसंद आए तो प्लीज प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना और अपना सपोर्ट देना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास है एक डॉल जो कि मुझे दिवाली पर मिली थी मेरी बेटी के लिए, और इसके चारों तरफ चॉकलेट्स लगी हुई थी। ये एक दिवाली गिफ्ट था। अब चॉकलेट्स तो इसमें से ख़त्म हो गई, ये काफ़ी टाइम से रखी हुई थी, तो मुझे लगा कि चलो इसका मेकओवर करते हैं। ये ऐसे ही रखी हुई थी तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था, कुछ आइडिया नहीं आ रहा था कि इसको किस तरह से डेकोरेट करें। तो मुझे लगा कि चलो अपने बचपन की यादों को ताज़ा किया जाए। जिस तरह से हम बचपन में डॉल्स को डेकोरेट करते थे, उनका मेकओवर करते थे, उसी तरह से आज हम इसका मेकओवर करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसके ये जो रिबन्स हैं इनको हटा दूंगी और उसके बाद मैं इसका मेकओवर करूंगी। तो यहाँ ले लिया है मैंने एक क्रेप पेपर जो कि ऑरेंज कलर का है। मुझे यहाँ पर येलो यूज़ करना था बट येलो अवेलेबल नहीं हो पाया, तो मैंने ऑरेंज पेपर का यूज़ किया है। तो इसको मैं तीन पार्ट्स में डिवाइड कर लूँगी। पहली स्ट्रिप काटने के बाद उसी स्ट्रिप के अकॉर्डिंग मैं उसको ऊपर रख कर दूसरी स्ट्रिप और फिर तीसरी स्ट्रिप को कट कर लूँगी। तो यहाँ मैंने तीनों स्ट्रिप्स को कट कर लिया है और उसके बाद मैंने ले लिया है एक थ्रेड रील जो कि ऑरेंज कलर में ही मुझे मिल गई थी। आप चाहें तो कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं। और उसके साथ ली है मैंने एक नीडल और अब मैं इन फ्रिल्स को ज़िगज़ैग करके सिल लूँगी नीडल की हेल्प से और इनकी एक फ्रिल टाइप बना लूँगी। तो इस तरह से मैंने इनको ज़िगज़ैग करके सिल लिया है और इसकी एक अच्छी सी गैदरिंग करके इसकी फ्रिल मैंने प्रिपेयर कर ली है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही प्यारी सी एक फ्रिल बन गई है। इसकी गैदरिंग को सेट करके हम इस फ्रिल को इस डॉल पर रैप करेंगे। फ्रिल को डॉल के ऊपर लगाना बहुत ही इजी है। जस्ट इसके दोनों साइड से मैंने थ्रेड को खींच लिया है, जो भी साइडों में थ्रेड निकला है उससे हम इसके बैक साइड में इसको बांध लेंगे। यहाँ पर इस डॉल का ये स्कर्ट रेडीमेड मुझे मिली है, लेकिन अगर आप इसको ट्राई करना चाहे सिंपल डॉल के साथ तो एक चार्ट पेपर की हेल्प से कोन बनाकर आप इसको डॉल के नीचे अटैच कर सकते हैं और उसके बाद इस तरह की फ्रिल्स आप लगा सकते हैं। इस तरह से मेरी एक फ्रिल इस पर लग चुकी है। एक फ्रिल लगते ही ये कितनी प्यारी लग रही है और एक स्कर्ट जैसी ये दिख रही है। तो फ्रिल लगाने के बाद जो थ्रेड बचा था, एक्स्ट्रा थ्रेड को हम सीजर से कट कर देंगे, फिर हम नेक्स्ट फ्रिल इसमें अटैच कर देंगे। सेम प्रोसीजर से उसको प्रिपेयर करेंगे, देन इसको हम पीछे टाई कर देंगे और एक्स्ट्रा थ्रेड को हम कट कर देंगे और फिर हम इसकी तीसरी फ्रिल को भी लगा लेंगे। मुझे इसकी हाइट देखकर लगा कि इसमें तीन फ्रिल सफिशिएंट है, लेकिन जब इसकी तीनों फ्रिल लगी तो इसके नीचे मुझे लगा कि थोड़ी सी जगह काफ़ी है, क्यों ना मैं इस पर भी एक फ्रिल को लगा दूं। तो यहाँ तक मेरी तीनों फ्रिल इसमें लग चुकी है, लेकिन वैसे तो ये सफिशिएंट है, तीनों फ्रिल अच्छी लग रही हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि इसका नीचे का ये पार्ट दिखाई दे रहा है तो
तो एक फ्रिल इसमें और लगा दी जाए तो ज़्यादा अच्छा दिखेगा। और उसके लिए मैंने इसकी एक स्ट्रिप और कट कर दी है, और कट करने के बाद सेम मैंने इसकी फ्रिल बनाई है। फ्रिल बनाने के बाद इसको हम लास्ट में लास्ट फ्रिल की जगह अटैच कर देंगे। तो यहाँ मैंने इसकी फोर्थ स्ट्रिप को भी अटैच कर दिया है। बहुत ही इजी वे में ये डॉल बनकर प्रिपेयर हो जाती है और बहुत ही प्यारी लगती है। तो यहाँ पर मेरी चारों फ्रिल लग चुकी हैं, मींस डॉल की जो ड्रेस है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम डॉल के बालों को ठीक करेंगे। एक्चुअली इसकी जो पोनी है बालों की वो काफ़ी छोटी है, तो ये अच्छी नहीं लग रही थी मुझे, तो मुझे लगा कि चलो इसके बालों को थोड़ा लंबा किया जाए। तो मेरे पास एंकर थ्रेड सेम कलर में रखा हुआ था, तो बस जस्ट मैंने इसकी 5-6 इसमें लाइंस लेकर और इसके ऊपर जस्ट रैप कर दिया है, और इसको एक गोटे के साथ मैंने इसकी चोटी के साथ रैप कर दिया है, जिससे कि एक इसकी चोटी काफ़ी लंबी हो गई है और ये देखने में काफ़ी अच्छी लग रही है। तो अब इसकी चोटी बहुत ही प्यारी लग रही है। अब इसको हम ये इसकी चोटी अजीब सी हो गई है, लेकिन इसको हम नीचे अटैच कर देंगे जिससे कि ये सीधी हो जाएगी। उसके बाद लिया है मैंने एक हैंडमेड शीट का पेपर, जो कि मेरे पास काफ़ी टाइम से रखा हुआ था, वेस्ट यूज़ ही नहीं हो रहा था कुछ, तो उसका मैंने दो पीस लिए हैं और इसके हम बनाएंगे विंग्स। सिंपली मैंने उसको ड्रॉ कर लिया है। ड्रॉ करने के बाद मैं इसको कट कर लूँगी, और कट करने के बाद मैं यूज़ करूँगी थोड़ा सा ग्लिटर, और ग्लिटर को इसके विंग्स पर लगा दूँगी फेविकोल की हेल्प से, जिससे कि ये और ज़्यादा शाइनी हो जाएंगे। तो यहाँ मेरे विंग्स बनकर प्रिपेयर हो गए हैं। मैंने बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करा है, सिंपल वे में विंग्स को प्रिपेयर किया है। अब जस्ट मैं डबल साइडेड टेप के साथ इन दोनों विंग्स को इसके बैक पर अटैच कर दूँगी। उससे पहले हम इसका जो ऊपर का टॉप है उस टॉप को थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे। इसका टॉप ग्रीन है, और अब मेरे पास ऐसा कुछ नहीं था कि जिससे कि मैं इसके टॉप को और कोई कलर देती, तो मेरे पास गोटा रखा हुआ था, इस गोटे से ही मैंने इसके टॉप को कवर कर दिया है फेविकोल की हेल्प से। मैंने सिर्फ यहाँ पर गोटा ही यूज़ करा है, गोटे की हेल्प से इसका टॉप बहुत ही अच्छा बनकर रेडी हो गया है। तो इस तरह से इसका टॉप गोल्डन गोल्डन हो गया है, और अब ये ऑरेंज स्कर्ट के साथ बहुत ही ज़्यादा मैच कर रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे ज़्यादा कुछ अलग से इसके लिए नहीं करना पड़ा, बस सिर्फ गोटे को मैंने वी शेप में और राउंड करके रैप कर दिया है। अब आती है बारी इसके विंग्स को पेस्ट करने की। तो सिंपल मैंने डबल साइडेड टेप इस पर लगा दी है, और इस डबल साइडेड टेप के साथ मैं इसकी बैक पर इनको पेस्ट कर दूँगी। तो लीजिए इसके विंग्स भी अटैच हो गए हैं, और इसके बैक में मैं एक और डबल साइडेड टेप लगाऊंगी विंग्स के बैक में, और उससे मैं इसकी चोटी को फिक्स कर दूँगी। तो लीजिए हमारी प्यारी सी एंजल बनकर तैयार हो गई है। अब हम अपनी एंजल को थोड़ी सी ज्वेलरी पहनाएंगे, तो उसके लिए लिए हैं मैंने कुछ बीड्स, क्योंकि मुझे बीड्स पसंद है, तो मैंने इसका डेकोरेशन बीड्स से ही किया है। तो बीड्स लिए हैं, ये स्टिकिंग बीड्स हैं, तो इससे ही मैं इसकी पूरी ज्वेलरी को बनाऊंगी। तो सबसे पहले हम बनाएंगे इसकी बैंगल्स। बीड्स की एक स्ट्रिप लेकर मैंने राउंड राउंड करके जो भी दो तीन राउंड आने थे वो लेकर इसकी बैंगल्स को मैंने बना दी। तो इस तरह से इसके दोनों हाथों के ब्रेसलेट या बैंगल्स
बन गई। उसके बाद इसके फोरहेड पर ये लगाया है मैंने इसी को। उसके बाद अब हम इसको नेकलेस पहनाएंगे, तो नेकलेस के लिए भी मैंने सेम प्रोसीजर से बीट्स को इसके नेक के चारों ओर रैप कर दिया और ये बन गई है हमारी एकदम प्यारी सी एंजल। बहुत ही प्यारी लग रही है ये। अब हम इसकी स्टिक बनाएंगे, उसके लिए लिया है मैंने एक टूथपिक और ये गोटा और फेविकोल की हेल्प से टूथपिक पर इस गोटे को मैं रैप कर दूंगी पहले और उसके बाद इसे डेकोरेट करने के लिए बीड्स को ही स्टिक पर के स्टिक के चारों ओर रैप कर दूंगी। और उसके बाद मेरे पास स्टिकिंग स्टार्स रखे हुए थे, दो तीन कलर्स के थे मेरे पास, तो एक स्टार मैंने इस पर पेस्ट कर दिया है गोल्डन कलर का। स्टिक को भी मैंने डबल साइडेड टेप की हेल्प से इसके हाथों पर पेस्ट कर दिया है और अब ये हमारी प्यारी एंजल की स्टिक बनकर रेडी हो गई है। और मैं इसके बालों को तो भूल ही गई थी कि भी उनको भी डेकोरेट करना है, फिर मैंने बीड्स की एक और स्ट्रिप लेकर इसके बालों पर भी लगा दी है और इसके बालों को भी और सुंदर बना दिया। ये है हमारी प्यारी एंजल, क्यूट एंजल का प्यारा सा लुक। आपको ये आइडिया और हमारी बचपन की यादें कैसी लगी प्लीज़ प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक और शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट देना। थैंक यू, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट किड्सी आइडिया के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।